हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। और रील मैंने पोस्ट कर दी है जो वीडियो मैं कल बना रही थी, तो प्लीज़ जाके थोड़ा प्यार दिखा दे। मैं नीचे है इंस्टा का हैंडल मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा रील और कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे मामा काम करती थी और मैं उनके साथ हेल्प करवा रही थी। यहाँ पे हम शापर बना रहे थे खजूरों के, जो के गरीबों में देने थे रमज़ान का करके। तो बस यहाँ पे जो है हम उनके हिस्से बना रहे थे। और फिर मैंने एप्पल का स्प्रेड बना लिया था, पिक्स भी लेनी हुई थी, तो मैंने कहा मैं फ़िल कर लेती हूँ जो जो मुझे चीज़ें फ़िल करनी हैं। कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी और कुछ टास्क वगैरह थे, अक्सर जो है मैं भूल जाती हूँ। लिटरली अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे याद है कि वो आज भी मैंने फ़िल करना है डायरी में कुछ, तो मैं वो भी करूँगी आज भी, बस मुझे याद रहे। मुझे बहुत चीज़ें भूलती हैं, मैं बहुत ही बलक्कड़ हूँ। आप लोग भी ऐसे ही भूल जाते हैं क्या? मैं अभी एक सेकंड पहले मुझे कोई बात याद आई होगी और वो भूल जाएगी, आई डोंट नो व्हाई, पर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं भूल जाती होती हूँ। तो खैर यहाँ पे बस मैं वही चीज़ें फिलफिल कर रही थी, काफ़ी दिनों से नहीं की थी। ये वीक तो ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक का स्प्रेड भी मैं बनाऊँगी, अपने दूसरे चैनल पर डाल दूँगी। आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरा स्प्रेड बनाया तो जाके देखें। और यहाँ पे जो है मज़े मज़े का वाटरमेलन आया था। आप लोगों में से किस किस को वाटरमेलन पसंद है? मुझे तो वाटरमेलन इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊँ, बस मेरा दिल करता है खाए जाओ खाए जाओ। और ये इतना ठंडा था ना, मतलब ठंडा करके वाटरमेलन खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे मेरी मामा कुछ बचा कुछ खा रही थी, वो ऐसे ही करती हैं, जो भी बचा कुछ होता है वो खाती रहती हैं। और ये देखें अंदर से कितना मज़े का लग रहा है। सो गाइस, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया इससे पहले क्योंकि कुछ था ही नहीं इतना रिकॉर्ड करने को। और ये है मेरी सहरी, डोंट जज मी, मैंने क्रीम क्यों डाली है, मुझे इसके साथ क्रीम बहुत पसंद है और आज मुझे भूख जल्दी लग गई थी। अच्छा, सो दैट्स व्हाई मैं अभी खाने लगी हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। तो यहाँ मैं बाहर गई थी, कुछ काम वाम था, कुछ पेपर वगैरह लाने थे, मेरे पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ ना मुझे ये हार्ट्स नज़र आ गए थे बने बनाए, वरना मुझे खुद कटिंग करनी पड़नी थी और जो कि बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए मुझे फ़ौरन नज़र आया और मैंने फ़ौरन से ले लिए और साथ में ब्लैक पेपर लिया था। सो गाइस, अभी मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ और ना आज टाइम ही नहीं मिला, मैं बाहर गई हुई थी काम से और अभी आई हूँ। और ये देखिए आज मुश्किल हांडी पक रही है, भिंडियाँ। किस किस को भिंडियाँ पसंद है? जो आज कहता है उन लोग देर रात को पढ़ते हैं, रात को बैठ के वरना खेलते हैं। जब आज को कैसे? अच्छा, वो व्लॉग में देख कहता मुझे व्लॉग से बता देना। लो वैसे को खाली नहीं, मैंने तो कह दिया था पढ़ने के बाद हम खेलते हैं। नहीं गाइस, आप लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं, खाली होना नहीं खेलते पढ़ते हैं। ओके, उसे कहना तुमने पढ़ने वाला सीन तो देखा नहीं, खाली होने वाला देख। तो ना कोई पता नहीं, कल या परसों कभी भी जाना पड़ जाए तो मुझे ना अब वो फिर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। रुकी मैं फ्लैश ऑन करती हूँ। तो पता नहीं क्यों मोबाइल बंद हो गया था, तो इस खाने को भी हमने जो है सही करना है कि मैं जो नहीं पहनती वो मैं दूँ। और वहाँ पे जो है ना वो अच्छे कपड़े हैं, मतलब वहाँ पे फ्रॉक्स ड्रेसेस वगैरह हैं और एक शर्ट है बड़ी प्यारी और एक और टॉप है बड़ा प्यारा। और ये जो खाना है ना इसमें सारे बाहर के कपड़े हैं, मतलब बाहर अंदर के जैसे भी आपने जाना हो। और ये जो ऊपर खाना है यहाँ पे सारी पैंट्स हैं, पजामाज हैं, ठीक है, ये स्लीपिंग सूट्स पे पड़े हैं कुछ, और साथ वहाँ पे सारे ट्राउज़र्स हैं। मैंने ट्राउज़र्स मोस्टली वाइट ब्लैक स्किन कलर के रखे हुए हैं ताकि कोई भी शर्ट हो तो सबके साथ चल जाए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, बहुत बातें होगी। और अभी हमने किचन में जाना है क्योंकि मैंने अपने भाई को स्पैगेटी बना के देनी है, मैं इसका लॉक लगा लूँ क्योंकि, तो वो मैंने बंद कर दिया है, मैं बाद में प्रेस करूँगी, अभी मुझे काम है, ठीक है। और काम क्या है कि मुझे स्पैगेटी बनानी है और स्पैगेटी का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं ना, एक तो लाइट जलाऊँ, अंधेरा घर है, मैंने आप लोगों को कहा है ना, उसके लिए जो चीज़ें हैं ना ये रही, ये
लाख रखे हैं मेरे भाइयों को, बस यही पसंद है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चाहें तो शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते तो हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, मुझे पसंद है शिमला मिर्च, खुद करूंगी क्योंकि उन लोगों नहीं पसंद तो ये काटनी है, चिकन को धोना है, मजा नहीं आता। मैं करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं स्पैगेट कैसे बनाती हूँ। साथ मेरी मामा भी अपनी हंडिया पका रही थी और इसको मैरिनेट मैंने किया है तंदूरी मसाले से। ये आधा पैकेट था मेरे पास, ये आधा ही डला था, ये एक ब्रेस्ट का पीस था उसके अंदर, और इसके अंदर मैंने सिरका भी डाला था, थोड़ा सा सिरका, ठीक है, जस्ट के वो मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और मैंने एग नूडल्स ली हैं, स्पैगेटी नहीं ली। और जो है यहाँ पर मेरी मामा साथ हेल्प करवा रही थी, वो कट कर रही थी चीज़ों को, और बस मैंने दो चीज़ों से मैरिनेट। तो ये मज़े मज़े के जो है टिक्के रेडी हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ इनकी क्या खुशबू आ रही है मज़े की। तो अब जो है एक जो है हमारा स्टेप हो गया है जो है टिक्के, और यहाँ पे अब दूसरा स्टेप है हमारा जो है वेजीज। ठीक है, मैंने दो वेजिटेबल यूज़ की हैं, आप पर डिपेंड है आप कौन से करें। मैंने दो करनी थी तो इसलिए मैंने कैबेज ज़्यादा ले लिया। ठीक है, और ये तो अब मैं इनको बनाती हूँ, मैं आपको बताती चाहूँगी साथ साथ मैं क्या करूँगी। तो हमने ना गाजर जो है गलने के लिए रख दिया, और तब तक मैं ये काट रही हूँ। ठीक है, हमने इसको काट के जो है इसमें गार्लिक भी डलेगा, वो सब कुछ एक साथ ही हमने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना, और मिर्चों की तादाद आप कम ही रखिएगा क्योंकि तीन चार जगह पे मिर्चियाँ डलनी है, तो फिर क्या होगा कि जो है ना स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मैं दो ले रही हूँ, आप अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो आप एक ले लें। ठीक, तो मैं यहाँ पे ना ये देखें कि फ्रीज किया हुआ गार्लिक है क्यूब्स में, मेरी मामा ऐसे ही करती हैं, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये आधी क्यूब लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं इन सबको जो है एक साथ मिक्स कर लूँगी। आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग चॉप कर लें और उसको जो है ना गाजरें जब डालेंगे ना उसके साथ ही भून लें। ठीक है, अब हम जो है इसमें मसाले डालेंगे। आपको बता देती हूँ, मैं पहले डाल लूँ फिर मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला। ठीक है, जो है कैरेट्स मैंने पहले गला ली थी क्योंकि उनको टाइम लगता है, और कैबेज जो है ना गल जाएगी, हमने इसको अभी पकने देना तो वो गल जाएगी। तो मैं आपको बताती जाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला। मैंने इसमें दो चम्मच नमक डाला क्योंकि नमक जो है ना हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि जब एग नूडल्स डलती हैं तो वो फीकी फीकी होती हैं, तो आप एग नूडल्स में भी नमक डाल लें। ठीक है, थोड़ा, और इसमें जो है डाल लें। उसके बाद मैंने इसमें दादर मिर्च डाली है जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं, पूरी भर भर के नहीं डाली, मतलब के नॉर्मल चम्मच जो होता है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच सूखा धनिया डाला था, आधा चम्मच ही मैंने सफ़ेद जीरा का पाउडर डाला था, और उसके बाद इसमें काली मिर्च डाली थी एक चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसमें सिरका डला था 2 टेबल स्पून, चिली सॉस डली थी 2 टेबल स्पून, जो कि हम सूप में डालते हैं ना वही वाली चिली सॉस, और इसमें जो है मैंने सोया सॉस डाली है 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं और ये तकरीबन गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें वो जो हमने पेस्ट बनाया ना वो डाल देंगे, और तब तक मैं वहाँ पे अपना नूडल्स भी बॉयल कर लूँगी। इसमें चिकन भी ऐड कर देना, इस स्टेज पे आपने इसमें चिकन भी ऐड कर देना, वो जो मिक्सचर है वो डाल देना क्योंकि वो पकेगा इसमें, और उसके बाद हम दूसरी तरफ जो है नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। तो ये देखें हमने इसमें ना ये मिक्सचर डाल दिया, मैं हला लूँगी। ठीक है, इसको एक बार हला के इसको पकने देना है इस मिक्सचर के साथ। ये सॉसी सॉसी सा हो जाएगा। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे पकता रहेगा, और फ्लेम मैंने इतनी रखी हुई है, मैं थोड़ी सी और तेज कर रही हूँ, बस इतनी फ्लेम पे आपने इसको पकने देना। मीडियम फ्लेम हो या ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, और तब तक अपने नूडल्स बॉयल करती हूँ। अच्छा, तो नूडल्स को बॉयल करने के लिए मैंने इसमें जो है ऑयल डाला है और सॉल्ट, और मैं आपको बता दूँ मैं ये रेसिपी जो बना रही हूँ ये 2 पैकेट्स के लिए है, मतलब 2 जो नूडल्स के पैकेट आपको दिखाए थे, और मैंने जो चिकन लिया था वो 1 ब्रेस्ट लिया था। ठीक है, तो सारी मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी। तो अब ना मैं इसमें क्रीम डालने लगी हूँ, ये बहुत मज़ा करवाती है, सिर्फ 4 टेबल स्पून डालेगी पर इसका मज़े का टेस्ट आता है। तो इसका पानी सूख गया, आप देख रहे हैं। ठीक है,
अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी और इसकी सबसे लास्ट में डालनी है जब आपने नूडल्स डालने हैं, और फिर मैं नूडल्स वहाँ पे बॉयल हो रही हैं और फिर मैं जो है इसमें नूडल्स डाल दूंगी। तो नूडल्स को जो है ना आपने 80% बॉयल करना है, पूरा 100% नहीं, वरना ये मज़े की नहीं लगती। उसके बाद जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें, एक साथ डालेंगे तो फिर ये होगा कि सही से मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के इनको मिक्स करती हूँ। जब आप डाल रहे हो तो थोड़ी हल्की सी फ्लेम ऑन कर लें, क्योंकि उससे वरना ठंडी नहीं होगी, वरना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है डालते डालते ही। तो अब क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी कसर रहने दी थी, तो इस वजह से मैं अब जो है फ्लेम ऑन करके ये डालती और फिर इसको मिक्स करती। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, इसमें चिली गार्लिक सॉस 4 टेबल स्पून जो बड़े वाले होते हैं ना वो डाल लेनी है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और आपके मज़ेदार एग नूडल्स तैयार हो जाएंगे। तो आज मैं इफ्तारी में भी यही खाऊंगी। तो जब मैं डिश आउट करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, अभी तो बस बनाए हैं, ठीक है। मैंने पहले बना लिए हैं क्योंकि ये लंबा काम होता है, लास्ट मोमेंट टाइम नहीं होता। तो ये मज़ेदार से नूडल्स तैयार हैं, और सबसे मुश्किल स्टेप मुझे उसका यही लगता है जब इसको मिक्स करना होता है, हाथ दुख जाता है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो नूडल्स में सही से मिक्स नहीं होती, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके फोक से और फिर चम्मच से करना पड़ता है। तो ये थी आज की रेसिपी। तो अब मैं अभी फारिग हुई हूँ बना के, और मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, शावर शुवर लेना है, तो मैं भूल ही गई थी, लिटरली काम में भूल ही जाता। पागल हूँ मैं अभी। तो खैर मैं कपड़े निकालती हूँ और प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे हम देसी घी बना रहे थे। मक्खन जो है ना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप बस भलाई से जो है ग्राइंडर में आप बनाए ना तो बहुत इजीली बनता है। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके तो ऐसा मक्खन बन जाता है, और फिर इसको आपने जो है फ्लेम पे बस इसको पकाना है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा अभी बिल्कुल भी एडिट करने का मूड नहीं था, फिर भी मैंने किया। तो आप अपना काम करें, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।